अस्सलामुअलैकुम। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी लिंक्डइन पे और आपके साथ वीडियो में भी ये बात शेयर करता हूँ कि अक्सर औकात लोग पूछते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के हाउ आर यू खुर्रम। सो मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। सो बजाय ये कहने कि आई एम फाइन हाउ आर यू, मैंने चेंज किया पर्सपेक्टिव और मैंने कहना शुरू किया आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। सो लोग हैरान होते हैं और अक्सर पूछते हैं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, जैसे कि हैप्पी होने के लिए स्पेशल रीजंस चाहिए होती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी कोई इवेंट और कोई ऐसी बात होनी चाहिए तब आप कह सको कि मैं खुश हूँ। नॉर्मली सुबह आप उठे फ्रेश अच्छे मूड में ऑफिस पहुँचे तो क्या ये काफ़ी नहीं है आपके खुश होने के लिए या लोगों को बताने के लिए या लोगों को ये फील जाए कि यू आर हैप्पी। यू आर ऑलवेज़ अ हैप्पी पर्सन। इसलिए कभी भी वेट ना करें कि खुश होने के लिए कोई रीज़न ढूंढें और उस रीज़न की बुनियाद पे खुश होंगे। अगर ये पर्सपेक्टिव चेंज कर लें हम अपनी लाइफ में और हम एक तो इसमें देखें आपकी इनर मोटिवेशन है, बजाय इसके कि आप एक्सटर्नल चीज़ों पे जाएं आप इंटरनल इंट्रेंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड इसमें ग्रेटिट्यूड है, ये दोनों चीज़ें मिल के आपको बहुत दूर लेके जाएंगी। So always be in your current state of your life. Be happy in your current state of life. Or be always be thankful to God for everything you have got in your life. Always be happy, and that's my message. God bless you.